नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का क्लास UPSI बैच के लिए कंटिन्यू चल रहा है, और उस बैच में अभी हमने इसके पहले वाला जो लेक्चर लिया था उसमें पॉलिटी का बेसिक चीज़ें दिखा था, वहाँ पर हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। उतना अभी आपको समझना है, ठीक है? उतना अगर आप लोगों ने समझ लिया होगा तो आज जो हम लोग क्लास लेंगे उस क्लास में थोड़ा सा UPSI के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपके पेपर में पिछली बार पूछा भी गया क्वेश्चन, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। और साथ साथ कुछ चीज़ें जो इसमें बची हुई हैं वो हम किसी और टॉपिक से लिंकअप करके पढ़ाने वाले, इसलिए उसको हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो साथ साथ वो हम आपको पढ़ा देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कंप्लीट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपका, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आप, अगर हम तो यही कहेंगे कि अगर सच में आप UPSI के लिए एकदम जी जान से लगे हुए हैं तो पहली बात ये करिए कि कम से कम आप इसके पहले का वीडियो जरूर देखिए। मतलब जो हमने पिछला वीडियो डाला है या लास्ट जो हमने क्लास लिया है उसको आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और साथ साथ यहाँ का जो कॉन्सेप्ट होगा, अगर आप भारतीय संविधान का विकास देखें, अर्थात भारत का संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे तो यहाँ से इतिहास की भी थोड़ी टॉपिक समझ में आना चाहिए आपको, इतिहास भी थोड़ा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप लोग थोड़े लोगों को शेयर करिए, तो आप लोगों ने किया भी और हमने कहा भी था कि अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने दिया भी और मुझे बहुत खुशी हुई इसको लेकर। और उम्मीद यही करते हैं कि आप अगर इतना भी करते रहेंगे तो हम आपके साथ जी तोड़ मेहनत करेंगे, और वो सारी चीज़ें जो देंगे वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये भरोसे से आप बात मान लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ आपके मन में गलत चीज़ें होंगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलता है, तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि उन बच्चों को मैं बता देता हूँ कि जिन्होंने UPSI 2016 का पेपर दिया और वह GS में फेल हुए, अब उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सीरियस होकर आप पढ़ाई करिए। मैं आपको पूरी तरीके से, अभी हम 40 प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना कैसे है तो हमें 24 प्रश्न भी पढ़ने हैं। देखिए, हमको 40 नंबर नहीं देखना है, अभी 40 में हम सबसे बड़ा पार्ट पढ़ रहे हैं 24 नंबर के। तो पहले सबसे बड़ा जरूरी ये होता है कि हमको 24 नंबर के टॉपिक क्लियर होने चाहिए, जहां से हमारा सबसे ज्यादा नंबर गेन करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर पाएंगे, ठीक है? चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको लिखा है, अगर आप देख सकते हैं तो बोर्ड पे मैंने कुछ चीजें लिख दिया है। बोर्ड पे लिखने का रीजन है, आप ऐसा मत समझिएगा कि सर बोर्ड पे लिख दिए तो हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ नहीं है। समय बचाने हेतु आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है, क्योंकि आपका समय भी बच जाए। और ये तो मैं थोड़े से कंटेंट लिखा हूं, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा। आखिर ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इससे हमको आगे क्या फायदा मिलने वाला है, इसकी सारी चर्चा हम करेंगे, ठीक है? आज पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास अगर देखें तो भारत का जो संविधान है वो सर्वाधिक रूप से ब्रिटिश काल से प्रभावित है, ऐसा माना जाता है। आपको पता है कि हमारे संविधान पर ब्रिटिश काल का बहुत बड़ा प्रभाव माना गया है। ऐसा इसलिए माना जाता है, जैसे आप पढ़े भी होंगे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जी, हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो कहां हुई, कब हुई और किसके काल में हुई, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा गया है। ये देखिए, CGL का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, जो अभी क्वेश्चन मैंने बोला है। मतलब अगर बात ये करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की कंपनी थी, तो आप जानते हो इंग्लैंड की कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां हुई, लंदन में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई, तो इस समय हमारे देश में क्या परिस्थिति थी, किस वंश का शासक दिल्ली पे चल रहा था, तो वो प्रश्न थोड़ा लिंकअप करके पूछ देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में हुई, और जबकि आपको पता है कि 1526 से लेकर 1857 तक की बात करें तो हमारे दिल्ली पर मुगलों का शासन चला है। तो एक तो हो गया कि मुगलों का शासन था,
अब मुगलों के शासन में किसका शासन था यह चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो 1556 से लेकर 1605 तक मुगल शासक अकबर था। एक प्रश्न कंप्लीट होगा, तो यहां से ये आपको कवर कर देगा कि आखिर अगर ये क्वेश्चन पहले ही अगर सवाल से बन गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां हुई थी, तो भारत में नहीं, वो हुई कहां थी, इंग्लैंड में या लंदन में हुई थी। लेकिन उस समय दिल्ली पर अर्थात भारत में कौन सा मुगल शासक था, तो वो मुगल शासक अकबर था। ये दोनों प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इसके आगे की। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के साथ अगर ध्यान से समझे तो पहले कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसे ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने भारत में 15 वर्षों के लिए क्या किया था, एक अनुमति पत्र प्रदान किया था कि आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते। फिर मन में प्रश्न बनेगा कि पूर्वी देश का मतलब क्या हुआ सर? पूर्वी देश का मतलब यह हुआ कि अगर आप मैप देखे होंगे तो भारत के पश्चिम में पड़ता है इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप पश्चिम में पड़ता है। तो हम वहां से अगर भारत की तरफ देखें तो वो किधर पड़ेगा, पूरब की तरफ। तो इसका इशारा सीधे ये बात कहा जा रहा है कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति तो दी गई और भारत में व्यापार करने भी लगी, ये बात आप समझो। लेकिन पहले वो व्यापारिक कंपनी थी इसलिए भारत में व्यापार करती थी। लेकिन क्या व्यापार करते करते भारत में स्थिति क्या बनने लगी? भारत में स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। क्यों? क्योंकि पहले तो देखिए यहां पे व्यापार स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, जो सिराजुद्दौला कहां का नवाब था, बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, उसी और अंग्रेजों के बीच का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध से यह निर्णय निकला कि सिराजुद्दौला बंगाल हार गया। जब वो बंगाल हार गया तो अंग्रेज यहां पर व्यापार करने के साथ, कंपनी यहां पर व्यापार करने के साथ अपनी प्रशासनिक इकाइयों को अर्थात अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सफल हो गई। समझ रहे हैं? राजनीतिक सत्ता जैसे ही स्थापित कर लिया इन्होंने, उसके बाद ये कहीं ना कहीं कंपनी के साथ साथ प्रशासनिक चीजों पर भी बल देना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद देखिए बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा कवर हुआ। उसके बाद देखिए आगे आप देखेंगे तो एंग्लो जो आप देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 युद्ध लड़े उन्होंने और उस युद्ध के उपरांत अगर देखा जाए तो मैसूर भी कब्जे में गया, टीपू सुल्तान को उन्होंने हराया। जो टीपू सुल्तान को हराया तो धीरे धीरे भारत में इनकी स्थिति मजबूत होने स्टार्ट हो गई। लेकिन ये व्यापार करने के साथ साथ भारत में शोषण भी उसी प्रकार से करना स्टार्ट करते गए, शोषण करने लगे। अब यहां से यह बात आई कि जब 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए, लेकिन मारे जाने के बाद भी इन्होंने करों में कोई भी वसूली प्रदान नहीं की। तब इसके उपरांत की अगर हम बात करें तो इसके उपरांत आया सबसे पहला लिखित प्रावधान हमारे देश में कि नहीं, ये बात तब तो पता चली जब आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उससे 10 लाख पाउंड कर्ज की मांग भी कर दी। अब 10 लाख पाउंड कर्ज की मांग की तो उन्हें यह लगा कि जब कंपनी अच्छा खासा व्यापार कर रही है तो व्यापार करने के साथ साथ इसे कर्ज लेने की क्या जरूरत है, और कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है। तो उन्होंने तत्कालीन 2 कमेटी का गठन किया, एक कर्नल वर्गोचन समिति और एक गुप्त समिति, और इन दोनों समितियों ने अपने रिपोर्ट में बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है और ये भारतीयों का बहुत शोषण कर रही है। तो इसी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोलिंग से चलाने के लिए सबसे पहला लिखित प्रावधान आया भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। समझ में आ गया आपको मैं क्या समझा रहा हूं? अभी तक की यह धारणा मैंने समझाया कि आखिर यह लिखित प्रावधान आया क्यों, समझ गए आप लोग? अब देखिए यहां पे यह बातें की गई कि पहला पॉइंट हम यहां से पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए पहले जो चीज हम पढ़ें तो वो चीज के बारे में हमको पहले यह नॉलेज होना चाहिए कि आखिर हम उससे हमारे पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए। आप विश्वास मानिएगा, यूपी पीसीएस का पेपर उठाकर देखिए, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर उठाकर देखिए, पहले एसएससी के पेपरों को उठाकर देखिए,
तो इसमें आप दरोगा का खुद यूपीएसआई का पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, और जहां पे दो चीजें कवर हो जाती है साथ साथ, अगर एग्जामिनर इतिहास और पॉलिटी दोनों मिलाकर अगर एक क्वेश्चन रखना चाहता है तो ये क्वेश्चन उसके लिए ये टॉपिक बेस्ट माना जाता है, जहां से दोनों की पकड़ स्टूडेंट की परीक्षण कर लिया जाता है कि उसका इतिहास भी सही होगा और उसका पॉलिटी भी सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को रखा जाए जो कंबाइंड हो, दोनों में कॉमन चीज हो, तो ये आपका कॉमन है। समझ गए आप लोग? तो देखिए, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब यह है कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आई। अब लिखा है, देखो पॉइंट भी पहले क्या लिखा है, कंपनी पर संसदीय, ध्यान दीजिएगा, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना। कंपनी पर सबसे पहले नियंत्रण लगाने की बात किस अधिनियम में की गई? तो यह प्रश्न आपका उत्तर होगा 1773। समझ में आया? अगर यह पूछेगा तो प्रश्न वन लाइनर के थ्रू यह भी पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में, यह लिखित प्रावधान आया। दूसरे पॉइंट को समझिएगा कि लिखा है कि गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, गवर्नर जो था पहले पहले देखिए, अंग्रेजों ने यहां पर तीन प्रेसिडेंसियां बनाई थी। एक आपको बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और एक आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और इन तीनों में एक एक गवर्नर बैठता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आपके मन में प्रश्न बनेगा कि सर बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर था क्लाइव। आप यह कह सकते हैं कि वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। वो बंगाल का पहला क्या था? गवर्नर था। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो बंगाल का पहला गवर्नर था, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर कौन है? वारन हेस्टिंग। कौन बना? वारन हेस्टिंग। और आप याद रखिएगा, ये यूपीपी का क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए होंगे। अगर आप पेपर दिए होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? चलो, लेकिन इसके साथ चार अन्य भी थे। किसके? इसके साथ चार अन्य भी हुआ करते थे, जिससे क्या करता था वो एक्चुअल में। देखो, अब जब निर्णय की बात आती थी, यहां से मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग, इसके साथ चार अन्य भी थे, तो चार और एक मिलाकर कितना हो गया? पांच। कितना हुआ? पांच। अब चार और एक मिलाकर जब पांच हुआ, तो ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, जब ये कोई भी निर्णय लेता था तो बहुमत से लेता था। कैसे लेता था? बहुमत से लेता था। अब पांच में बहुमत कितना चाहिए? तीन। पांच में बहुमत कितना चाहिए? तीन चाहिए। मतलब अगर तीन लोग पक्ष में होते थे तो वो निर्णय पास हो जाता था। अब यहां से समझो, ये है हमारे आज की शासन व्यवस्था, जो हमारी आज लोकसभा में कोई निर्णय लिया जाता है तो आप पड़ोगे बहुमत से। हम क्योंकि इसका विकास समझ रहे हैं, आज भी कोई भी निर्णय लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? बहुमत से लिया जाता है। और इसकी अवधारणा सबसे पहले कब ला दिया इन्होंने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। मतलब गवर्नर जनरल तो था ही, उसके साथ चार अन्य भी थे, तो चार एक पांच। अब कोई भी निर्णय लेना होगा इनको, तो ये केवल गवर्नर जनरल नहीं लेगा, ये पांचों मिलकर लेंगे, और पांचों में से अगर तीन पक्ष में जाएंगे तभी वो बिल पास होगा। तो आज भी वही होता है हमारे लोकसभा में। देखिए, आप पढ़े होंगे, कोई भी बिल हुआ, विधेयक हुआ, वो बहुमत से पारित किया गया तो ऐसे ही पारित होता है। इसका मतलब ये है, ठीक है? समझ में आ गया इसका मतलब? तो ये अगर पेपर में पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। अब बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो क्या बताएंगे आप लोग? तो वो आपका क्लाइव समझते हैं। अब देखिए यहां से एक चीज, दूसरी बात कि इसी अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई 1774 में, और स्थापना कहां हुई? कलकत्ता में। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा कि क्या सर वही सुप्रीम कोर्ट है क्या जो आज चल रही है? जी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट अलग थी। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मैंने एक दिन क्लास भी लिया तो उसमें बताया था, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है। 1774 में स्थापना हुई,
और इसमें आपको पता है कि इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एलियाज इम्फे थे। कौन थे? एलियाज इम्फे थे, और साथ साथ इनके तीन अन्य न्यायाधीश भी साथ में थे। तो तीन अन्य न्यायाधीश आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमको वही चीज समझना है जो हमारे पेपर में आ सकता है। तो एलियाज इम्फे को लेकर चार मेंबर हुआ करते थे। कहां पे? जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। पेपर में यह प्रश्न आ सकता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, या किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये थोड़ी आपको बात पता होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। चलो, अब लिखा है कि कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था गठित हुई। अभी हम पढ़ रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दो संस्था गठित हुई, तो देखो एक्चुअल में गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल तो भारत में बना, जो 1785 तक था। 1785 के बाद लॉर्ड कार्नवालिस आता है, जिसे सिविल सेवा का हम जनक भी कहते हैं। ये तो भारत में स्थिति इसकी बनी, बंगाल का प्रथम गवर्नर ये बना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी भारत में हुई। लेकिन यहाँ पे दो काम कहाँ हुए? पहले ब्रिटेन में हुए। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो संसद के हिसाब से चलाना चाहती थी। कौन सी संसद? ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से। इसके बाद एक काम यह हुआ कि कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था गठित हुई, और ये दो संस्था कौन कौन है? तो एक तो है आपका कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिसको निवेशक समूह कहा गया, और एक है आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसको समझ लीजिए क्या है। एक्चुअल में कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर्स है, इसका मतलब यह है कि जो कंपनी के समूह के लोग थे उनमें से ये निवेशक समूह बनाया गया, और साथ साथ उसमें से 24 लोगों का चुनाव जो हुआ था उससे बोलते हैं कोटा डायरेक्टर्स, जिसको डायरेक्ट करते थे, जो संचालित करते थे। तो अगर आपसे यह पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कब हुआ, तो यह हुआ आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और वो कब हुआ आपका? कितने संख्या थी इनकी? 24 थी। ये संख्या भी पूछ लिया गया पेपर में, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें आपको ये फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट से समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके आगे बढ़े तो देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी तक इसको 15 साल के लिए लीज दिया गया था, जो कि एलिजाबेथ ने दिया था, वो 15 साल तक करते थे काम। अब दूसरा एक्ट है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो सबसे पहले तो इस हेडिंग से ही क्वेश्चन बन जाता है, आप मेरी बात को समझना। हेडिंग से क्वेश्चन क्या बनता है? हेडिंग से क्वेश्चन ये बनता है कि कहीं ना कहीं पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया। तो देखो, पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया वो 1784 में पारित किया गया। अब दूसरी बात, इसमें क्या हुआ? संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया का मतलब क्या है? यहां पर तो संसदीय नियंत्रण की स्थापना हुई, लेकिन यही इसके आगे 1784 में देखें तो संसदीय नियंत्रण को बढ़ाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। कहीं ना कहीं अगर हम इसके मतलब को समझें तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाता हूं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे काम कर रही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड में कोई ऐसा पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का ऐसा मानना था कि कोई ऐसा मेंबर हमारे सत्ता से होना चाहिए जो इनकी देखरेख करे, क्योंकि आपको पता है भारत एक धनी देश माना जाता था, और कंपनी टोटल टोटल क्या करती थी? शोषण करती थी। शोषण करके यहां से काफी धन लूटना, भारतीयों का शोषण करके यहां से धन को प्राप्त करना, और धन को प्राप्त करने के साथ साथ अगर ध्यान दे तो ब्रिटेन के विकास में लगाना इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश से लोगों का शोषण कर, और यही शोषण करके इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लाया। आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति 1739 में ही 1750-1760 के दशक में आ गई थी इंग्लैंड में। तो जब वहां औद्योगिक क्रांति आई, बड़े बड़े मशीनें लगने लगे, तो भारत में उन्होंने मशीनें क्यों नहीं लगाई? भारत का ही धन पाया, भारत से ही पैसा कमाया। चाहते तो भारत में ही धन कार्य मशीनी उपकरण लगा देते, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो कच्चा माल हुआ करता था उसको विनिर्मित करके भारत में बेचा जाता, तो लोगों को सस्ता भी मिलता, फायदा भी होता, और साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके न करने का कारण क्या था जानते हैं? इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये कि इनके मन में था कि अगर हम इनसे केवल कच्चा माल लेते हैं और इंग्लैंड इसको ले जाते हैं, और वहां पे अगर हम कारखाना लगाते हैं, तो हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और साथ साथ उसी कच्चे माल से जो विनिर्मित वस्तु होगी उसे हम भारत में बेचेंगे, जिससे बाजार का रूप में काम करेगा भारत।
देखिए, आपने वस्तु बनाया लेकिन बनाना बहादुरी नहीं होता है, उसे सप्लाई करना है। और उसे सप्लाई करने के लिए आपको बाजार चाहिए, जगह चाहिए, लोगों की डिमांड चाहिए। तो वो डिमांड कौन प्रदान करेगा? वो डिमांड करता था भारत, क्योंकि भारत को सस्ता चाहिए था। तो इसी जगह से कपास को ले जाते थे और कपड़ा बनाकर भारत में अपनी मिलों से लाकर क्या करते थे, बेचते थे, और इससे जो लाभ कमाते थे वो अपने देश के विकास में लगाते थे। इनका यही मूल उद्देश्य था। लेकिन साथ साथ इन्होंने जो ज्यादा शोषण किया उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट का अवहेलना हो, लोग हेग इतिहास देखने लगे। तो इसी को ध्यान में रखकर संसदीय नियंत्रण को इन्होंने बढ़ा दिया, संसदीय नियंत्रण को थोड़ा मजबूत किया। उस मजबूत करने में क्या किया, जब इसको बढ़ाया गया था तो एक काम किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया इन्होंने। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पेपर में पूछे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत है, 1784, अगर ये पूछे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किसके तहत है, 1773। अब यहां से एक चीज समझो आप, इस जो 6 सदस्य हैं उसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज ये मिलती है, इस 6 सदस्य का कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने का मतलब है कि कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये गठित हो चुका है, एक कमिटी गठित हो चुकी है, एक परिषद गठित हो चुका है, जो परिषद वही है 6 सदस्य। अब ये 6 सदस्य जो कंट्रोल बोर्ड था उसमें इसका जो अध्यक्ष हुआ करता था वो जो आपके ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसमें जो मंत्रिमंडल हुआ करता था, मंत्रिमंडल का सदस्य ही इस बोर्ड का अध्यक्ष होता था। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अर्थात जो ब्रिटेन में सत्ता है, जो सरकार सत्ता में है, उस सत्ता का आदमी इसका अध्यक्ष होता था, मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष माना जाता था। तो इससे थोड़ा सा क्या हुआ, सुधार हुआ, इससे इन्होंने थोड़ा सुधार किया, जो पीछे किया था उसको थोड़ा और मजबूती से आगे लाया। ठीक है, अब लिखा है कि गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि। अब गवर्नर जनरल के अधिकारों में क्या वृद्धि, जैसे यहां पर देखो गवर्नर जनरल के अधिकारों में कमी है। कमी क्या है, गवर्नर जनरल तो वो है लेकिन गवर्नर जनरल के साथ साथ एक चीज ये है कि यहां पे कोई भी निर्णय लिया जाता तो 4-1-5-5 मतलब बहुमत से लिया जाता था। अगर बाइलग गवर्नर जनरल पक्ष में नहीं भी है और 3 व्यक्ति उसके पक्ष में है तो बिल पारित हो जाता था, तो उसका थोड़ा सा जो पावर थी वो कम थी। और यहां पर क्या किया गया, इसके पावर को थोड़ी बढ़ाया गया। अब यहां इसके 4 के जगह यहां पे क्या किया गया, 4 की जगह यहां पे 3 सदस्य हो गए। ध्यान से सुनिएगा, 4 की जगह यहां पर 1784 में 3 सदस्य कर दिए गए। और वो जो 3 सदस्य हुए इसको समझो, 3 सदस्य हुए तो 3 और 1 गवर्नर जनरल कितने हो गए, 4। अब आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न बनेगा कि सर अब वो कैसे निर्णय लेगा, अब निर्णय कैसे होगा, बहुमत से होगा? अब बहुमत से होगा तो अगर दो दो बराबर पड़ गए तो देखो यहां पे 2 चीजें हैं। अगर निर्णायक मत देने का अधिकार दे दिया गया किसको, गवर्नर जनरल को, अगर मत बराबरी पे है दोनों, जैसे 4 व्यक्ति हो गए, 3 तो पहले सदस्य, 4 पहले थे 1773 में, अब कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया, तो 3 और 1 गवर्नर जनरल, 4। गवर्नर जनरल अगर जिस व्यक्ति के साथ खड़ा हो गया, 2 उधर हो गए और 2 इधर, तो मत हो गया बराबर, मतलब लोग बराबर हो गए। अब किसका बात माना जाए तो बात उसी का माना जाता था जिसके साथ गवर्नर जनरल हुआ करता था। मतलब अगर गवर्नर जनरल एक व्यक्ति को अपने फेवर में ले लेता तो वो कोई भी निर्णय लेता उस निर्णय को मान्य माना जाता, इसका मतलब ये। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया, लिखा है नीचे समझ लो, गवर्नर जनरल को बस 2-1 सदस्य का समर्थन आवश्यक है, परंतु निर्णायक मत देने का अधिकार इसको 1773 से ही प्राप्त था, जो निर्णायक मत यहां से देता था। ठीक है, आपको पता, निर्णायक मत देता था लेकिन बहुमत से लिया जाता था जब मत बराबरी पे पड़ता था तब। ठीक है, चलो अब इसके आगे की बात करें तो आपको समझ में आ गया 1784 तक। चलो आगे लिखा, 1786 का संशोधन अधिनियम, थोड़ा इसमें संशोधन किया गया, संशोधन क्या हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो कार्नवालिस के संबंध में लाया गया और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। आपको पता है इस अधिनियम के तहत यह बना दिया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वो सेनापति होगा, मतलब ब्रिटिश सेनापति जो हुआ पूरा हुआ करती थी, पूरी जो हमारे यहाँ फौज हुआ करती थी उसका प्रमुख बना दिया गया गवर्नर जनरल को। आज जैसा आप जानते हैं हमारे तीनों सेनापति का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए वो कौन होता है, प्रमुख
तो वो होता है आपका हमारे देश का राष्ट्रपति। लेकिन उस समय के हिसाब से कौन हुआ करता था, तो किसको बना दिया गया, गवर्नर जनरल को। और कब बनाया गया, 1786 में, जबकि 1785 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां का गवर्नर जनरल बनकर आ चुका था। तो इस प्रकार से अगर प्रथम सेनापति की बात करें गवर्नर जनरल के थ्रू, तो वो कौन बना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलो। परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया। अगर परिषद, जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि परिषद अगर चार सदस्य बना दिया गया, एक तो गवर्नर जनरल हुआ करता था और एक कौन हुआ करता था, तीन तो अलग से थे तो चार हो गए। लेकिन अगर यहां अधिकार थोड़ा यह बढ़ाया गया कि अगर गवर्नर जनरल को ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं या वो बात सही नहीं है, तो वो बिना सोचे समझे अपने स्वविवेक से यूज कर, अपने स्वविवेक का प्रयोग कर वो उस निर्णय को रद्द भी कर सकता है। ऐसा अधिकार उसको कब प्राप्त हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको प्राप्त हुआ 1786 में। समझ में आ गया, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए आप किताबों में देखेंगे तो आप उलझ जाएंगे, आप किताबों में देखेंगे उलझ जाएंगे। मैं कोशिश यही किया हूं कि आपके लिए वो बेस्ट बेस्ट पॉइंट दूं जो आपके लिए पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। हाईलाइटेड चीजों को आपको समझना है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि आपको लिखते चलना है, पूरा का पूरा एकदम नोट्स बनाना है। और मैं नोट्स आपको कभी भी आपको मैं चेक कर सकता हूं, उसके लिए मैं सुविधा उपलब्ध करवा रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप नोट्स बनाते चलिए। अगर आप एक कदम चलेंगे, हम चार कदम आपके साथ आगे बढ़कर मेहनत करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे ऐसा। चलिए आगे लिखा है 1793 का चार्टर एक्ट। अब क्या हुआ इसको समझो। अभी मैंने आपको बताया कि 1773 में जब आपको ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो जब पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वो भारत में व्यापार करने के लिए आई, तो 15 वर्ष का इनको लीज दिया जाता था कि आप 15 साल वहां पे व्यापार करिए। लेकिन आपको पता है कि जब यहाँ 1793 में समय आया कि 1793 में कंपनी का शासन अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगर आप अधिनियम पढ़ोगे तो देखो 1793, उसके बाद 1813, 20 साल जोड़ो, फिर 20 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर देखो 1833, फिर यहाँ पे 20 साल के लिए बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया कब, 1853। और 1853 में ही क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। मतलब 20 वर्षीय लीज जो था उसे समाप्त कर दिया गया। तब तक 1857 की क्रांति हो गई, और 1857 की क्रांति के बाद यहाँ की जो सत्ता थी कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और महारानी को सौंप दिया गया। और महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ का वायसराय बना दिया गया। तो वायसराय कौन बना था पहला, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसकी एक आगे हम बात करेंगे, इससे पहले आप इसको सीक्वेंस जो समझा रहा हूं उसको समझते चलो। अब 1793 का जो चार्टर एक्ट इसको समझो, यहां पर लिखा कंपनी का शासन अधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 20 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, निरंतर तरीके से बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का भी अधिकार प्राप्त हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो उसमें यह बताया कि भारत में तीन प्रेसिडेंसियां वर्तमान में थी, वो कौन कौन सी थी, एक आपने पढ़ा होगा कौन सा, तो एक आपको मैंने बताया कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी जो मद्रास को आज हम चेन्नई बोलते हैं, एक बंबई प्रेसिडेंसी जिस बंबई को आज हम मुंबई बोलते हैं। तीन प्रेसिडेंसियां थी, तीनों में गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ इसको आप समझो। इसमें लिखा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का भी अधिकार प्राप्त हो गया। अर्थात बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको ये पर्यवेक्षण अधिकार प्राप्त हो गया कि वो यहाँ पर परीक्षण कर सकता है, बाकी चीजों को देख सकता है, समझ सकता है, सुझाव दे सकता है, हर चीज कवर कर सकता है, वो कहाँ कहाँ का, मद्रास का भी और बंबई का भी। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको। आगे बात करें 1813 का चार्टर एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। एक यहां से ये इंपॉर्टेंट है जो टिक कर रहा हूं उसको समझते चलो, और ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आपको याद रखना। लिखा है और एक ये इंपॉर्टेंट में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। 20 वर्षों के लिए कब बढ़ाया गया था, व्यापारिक एकाधिकार। देखो व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है, तो व्यापारिक एकाधिकार का मतलब यह होता है कि जहां पर एक ही कंपनी का या एक ही संस्था का अधिकार हो। तो भारत में केवल उस समय तक वर्तमान स्थिति यही थी कि भारत में केवल केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी, अर्थात इंग्लैंड की कोई भी कंपनी या अन्य देश की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। हाँ, चीन
के साथ व्यापार था हमारा, चीन के चाय का व्यापार चल रहा था जो कि आगे वो भी समाप्त हो गया। बाकी कोई भी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती, एकाधिकार का मतलब ये था। ठीक है, देखिए अब लिखा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि उसको पर्यवेक्षण प्राप्त हो गया। लिखा 20 वर्ष पुनः बढ़ाया गया, इसमें 1793 में 20 जोड़ तो कितना हो जाएगा 1813, 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह किया कि जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में केवल व्यापार करती थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो कर रही है लेकिन इंग्लैंड की और सारी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने अनुमति दे दिया। मतलब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बाकी भी कंपनियां यहां पे अब क्या कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं, इसका तात्पर्य यह है। और चीन के साथ जो चाय का व्यापारी का अधिकार था वो भी यहां पे क्या कर दिया गया, तो आपको पता होगा कि ये भी आपको समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ जो हमारा चाय का व्यापार व्यापार चल रहा था उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर 1,00,000 व्यय कर व्यय कंपनी द्वारा होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी SSSC के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान किस एक्ट में माना जाता है, तो 1813 का चार्टर एक्ट में। मैं आपको बताता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, इनका सोचना यह था। देखो पहले तो भारत में शोषण करते थे, और जब ये ज्यादा से ज्यादा शोषण करते थे तो शोषण करने के साथ ये अपनी सहानुभूति दिखाते थे कि हम आपके लिए वेलफेयर कार्य कर रहे हैं, अर्थात कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। तो कल्याणकारी कार्य करेंगे तो आपको यही नहीं लगेगा कि ये लोग कमा रहे हैं, केवल हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए सोच रहे हैं, ऐसा केवल दिखावा था। ठीक है, और ये अपने मन से नहीं करते थे, इनकी मजबूरी थी करना, मजबूरी करने का काम है। जैसे देखिए बहुत बड़े ट्रस्ट होते हैं, बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कहती है कि नहीं हम इतना शिक्षा पे खर्च करते हैं, तो ये दिखाने के लिए करते हैं कि एक्चुअल में हम इतना पैसा शिक्षा पे दे रहे हैं जिससे कि हमारे देश का विकास हो। तो वो सोचते थे कि हम जब इतना ज्यादा यहाँ से यहाँ शोषण हो रहा है तो हम 1,00,000 रुपए इस पर खर्च कर भारतीयों की सहानुभूति हमें मिलता रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया था। तो 1,00,000 रुपए कंपनी के द्वारा होगा खर्च, ऐसा प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। ईसाई मिशनरियों का आगमन, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ, भारत में ईसाई मिशनरियां आई। आपको पता है कि ईसाई मिशनरियों का दल भारत आया इंग्लैंड से, और वो लोग क्या करते थे, घूम घूम कर ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, ईसाई धर्म को बढ़ावा देते थे। हमारे देश में उस समय भुखमरी की स्थिति थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लगान वसूला जाता था, लोग जितना उपजते नहीं तो उससे ज्यादा उनको लगान देना पड़ता था, ये समस्याएं बहुत ज्यादा होती थी। तो एक लालच दे दिया जाता था कि अगर आप ईसाई धर्म को स्वीकार करते तो आपको लगान से मुक्ति मिल सकती है। तो हमारे देश के जो मजदूर वर्ग थे, कमजोर वर्ग थे, वो काफी परेशान होकर उन्होंने क्या करते थे, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते थे। सार्वजनिक स्थलों पर हमें जाने से रोका जाता था। तो कई प्रकार की जो समस्याएं थी वो लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर किए थे। तो पेपर में अगर ये पूछा जाए कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार या ईसाई मिशनरियों का दल भारत कब आया था, तो 1813 के एक्ट के तहत 1813 में ही आया था। ठीक है, चलो एक प्रश्न और समझ लो यहां से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पेपर में अगर तुमसे यह पूछ दे कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर प्रतिबंध कब लगाया गया, अगर प्रश्न यह दे दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1813। मेरी बात को थोड़ा ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर प्रतिबंध कब लगा, 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कब लगा, 1833। बस यही समझाना था, समझ में आया। मतलब अगर यह पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिबंधित किया गया था, चार विकल्प, राइट आंसर 1813, सीपीओ एसआई भी क्वेश्चन पूछा गया है, यह ध्यान रखना। और अगर यह क्वेश्चन पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूर्ण रूप से कब प्रतिबंध लगाया गया, 1833। बस ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें लिखा है कि चीन के साथ और चाय का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब तो यहां पे आप क्या सकते हो, पूर्ण रूप से, ये पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। एक जाति वर्ग के आधार पर, पहले क्या होता था, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से हम लोगों को सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जाता था, तो उसे भी क्या कर दिया इन्होंने, समाप्त किया। कब किया, 1833 में समाप्त कर दिया भेदभाव को। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा रहा है और लंबे समय से क्वेश्चन चल रहा है।
अभी मैंने बताया 1773 में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसमें आप लोगों ने यहां देखा वारन हेस्टिंग बना। अब यहां 1833 में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार से बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक आया कब था, 1828 में यहां का गवर्नर जनरल बना था और 1835 तक था वो। तो अगर 1828 में आया होगा तो उस समय क्या रहा होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन जब 1833 के अधिनियम में बना तो क्या बन गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो पेपर में अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बताओगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नाम याद कर लेना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये हो गया। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं पॉइंट। आगे लिखा है कि परिषद में एक विधि सदस्य, प्रथम विधि सदस्य मतलब मैकाले, परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति। परिषद कौन है, वही है परिषद जो पीछे मैंने आपको बताया, यहां देखिए यही परिषद है ना, चार की जगह तीन कर दिया गया, तीन एक चार थे। अब परिषद में एक्चुअल में क्या हुआ, एक विधि सदस्य होगा ऐसा मानना था। विधि सदस्य का मतलब जिसे कानूनी तौर से जानकार हो, एक्चुअल में जानकार हो, वो जिससे कि गवर्नर जनरल को सुझाव देता दे सके, विधि के सर्वपक्ष हिसाब से उसको सुझाव बराबर देता रहे। लेकिन उस सुझाव को गवर्नर जनरल मानने के लिए बाध्य नहीं था, और साथ साथ उसे किसी भी पर, उसे अगर वोटिंग की बात होती थी उसे वोट करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। यह ध्यान रखना आपको, वो वोट नहीं कर सकता है, उनके जो निर्णय लिए जाते थे जैसे बहुमत से निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें वो वोट नहीं करता था, केवल क्या करता था, सुझाव देता था गवर्नर जनरल को, और वो गवर्नर जनरल इस सुझाव को मानने के लिए भी बाध्य नहीं था। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो यहां से हमने आपको क्या कवर किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, 1786 का संशोधन भी बताया, संशोधन अधिनियम 1793, 1813, 1833। इसके आगे और भी थोड़े अधिनियम है, देखिए मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि बाकी चीजें आप एक ही क्लास में लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने थोड़ा लिख देता हूं, और बाकी मैं आपको बाकी सारी चीजें मैं समझाते चल रहा हूं। आप इस जो मेथड से मैंने आज पढ़ाया आपको है, अगर आप इससे संतुष्ट होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखिएगा कि क्या ये हमारा जो मेथड है वो सही है। नहीं तो देखिए लेक्चर की बात है, हम लेक्चर देते भी हैं और बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, बहुत लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो लोग हमसे पढ़े होंगे वो आपको पता ही है, हम भी लिखने के बहुत शौकीन नहीं है, हम भी चाहते हैं कि अगर आपको लेक्चर से कंप्लीट हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखना है हम आज लेक्चर दे दे रहे हैं लेकिन वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगा, आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आप पा सकते हैं। लेकिन समय आपका न बर्बाद हो, क्योंकि उस समय आपके पास एग्जाम के समय में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप इतना समय उतने लेक्चरों को आप देख पाए। अगर आप इसका अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो उस समय आप रिविजन कर लेंगे, वो आपके पेपर में हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइएगा कि ये मेथड हमारा कैसा था, और आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो कोशिश जरूर करिएगा जैसा आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा हमें और हमें बहुत प्रसन्नता महसूस हो रहा है, और मुझे खुशी हुआ कि आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद यही रखिएगा, और मैं आपको भरोसा देता हूँ आपको यूपीएसआई में इस बार जीएस में फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। और मैं अब आपको डेली बेस पर एक वीडियो आपको अपलोड करूंगा, आप उसके साथ जैसा भी देख रहे होंगे आपको मैं दे रहा हूँ, सीक्वेंस से दे रहा हूँ, एक एक वीडियो आप पढ़ते चलिए साथ साथ उसका कॉपी भी बनाते चलिए। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें कि यूपीएसआई की बैच हमको लगे कि हम पढ़ा रहे हैं और खूब मजा आए और हम लोग मज़े से यूपीएसआई को क्लियर करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।